सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव और आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस पास नहीं होता है तो क्या हॉस्पिटल में झगड़ा करना एक सही बात है, उसी पे आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और मैं यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन भी दूंगा। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों जब हेल्थ इंश्योरेंस पास नहीं होता है तो मैंने ज्यादातर मेरे जो 4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने नोटिस किया है कि पेशेंट्स जो है वो सीधा हॉस्पिटल स्टाफ से लड़ने लगते हैं। तो कितने हद तक ये सही है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप मेडिकल गुरुजी चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर अभी तक आपने मेडिकल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा उसे प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे आता हूँ। आज जो टॉपिक है वो थोड़ा आप ध्यान से समझो। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसमें हॉस्पिटल का रोल जो होता है वो ऑलमोस्ट 5-10% होता है। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और ऐसी आप ऐसा बोलते हो कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मुझे कैशलेस के लिए जाना है, तो हॉस्पिटल क्या करता है कि आपके जितने भी रिपोर्ट्स हुए हैं, आपके जितने रिपोर्ट्स है, आपकी जो समरी है, डॉक्टर जो लिख के दिया है, वो सारी चीजें वो जो है इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे सबमिट कर देते हैं। बस उनका यही काम है। अगर वहां से अप्रूवल आता है, बहुत कम समय में अभी अप्रूवल आ जाता है, लेकिन वहां से अप्रूवल आता है तो वो बता देता है कि आपका अप्रूवल आ चुका है। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि आपका जो टोटल एस्टिमेटेड बिल था वो 55,500 रुपीज का था, आपने वो चीज सबमिट की और वहां से अप्रूवल आया 54,200 रुपीज का, तो ये जो डिफरेंस के 1300 रुपए है वो आपको पे करने हैं, खत्म बात। लेकिन अगर वहां से अप्रूवल नहीं आता है तो आपको पूरी अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है जब भी अप्रूवल नहीं आता है सारे लोग हॉस्पिटल स्टाफ पे चढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि पूरी गलती उनकी ही है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपके रिपोर्ट में कोई चीज गलत है तो वहां पे वो पकड़ ही लेगी, क्योंकि जो अप्रूवल देने बैठते हैं वो पागल नहीं, वहां पे डॉक्टर्स बैठते हैं जो आपके रिपोर्ट्स को ध्यान से एक एक चीज को पढ़ते हैं वहां पे, उसके बाद अप्रूवल आता है। तो अगर आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो या आप कुछ पैसे ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हो तो भी वहां पे उन्हें पता चल जाता है। कुछ एक केस में पास हो जाता है लेकिन नहीं होता है तो फिर आप वही चीज करते हो जो नहीं करनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो आपको भी समझना चाहिए जिसमें हॉस्पिटल का कोई रोल है नहीं। दूसरी ये कंडीशन है कि जब आज अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हो तो कुछ एक ट्रीटमेंट्स के लिए आपको पैसे आज से मिलना स्टार्ट नहीं होते हो, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेम एज जब आप लिमिट इंक्रीज करते हो तो शायद से थोड़ा वेट आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपको वो लिमिट का पैसा मिलता है। यहाँ पे तो उस कंडीशन में भी आपको समझना चाहिए कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आपकी कोई बैकडेटेड बीमारी है तो 1 साल तक आपको उसका कवरेज नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मैं आज इंश्योरेंस ले रहा हूँ जिसके लिए मैं 10,000 रुपए पे कर रहा हूँ और मैं दूसरे दिन 1.5 लाख रुपए का क्लेम रख दूंगा तो आप ही सोचिए, क्योंकि कंपनी भी कोई पागल तो है नहीं, वो भी पूरे टर्म्स कंडीशन बना के चलती है। तो उस केस में भी आपको आपकी पॉलिसी देख लेनी है, अगर है तो ठीक है, अगर लिखा है कि देंगे और नहीं दे रहे हैं तो भी हॉस्पिटल स्टाफ से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई एजेंट थ्रू पॉलिसी दी है तो आप उसे कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपका प्रॉब्लम रिजोल्व कर देगा, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। अब ये जो थर्ड कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें हॉस्पिटल स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है और उस टाइम पे आप उन्हें ब्लेम कर सकते हो। आप उन्हें अगर उनके उन्होंने कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो, मान लीजिए आपने 10 डॉक्यूमेंट सबमिट किया, अगर वो गलती से सिर्फ 6 या 7 ही अपलोड करते हैं, वो भूल जाते हैं, उनसे मिस हो जाता है और उस केस में आपका रिजेक्शन आता है तो आप उन्हें ब्लेम कर सकते हो, डेफिनेटली ब्लेम कर सकते हो। उस केस में शायद से वो रीअपलोड करके डॉक्यूमेंट आपको फिर से अप्रूवल दिला सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन में वो 100% आप उन पे ब्लेम कर सकते हो। लेकिन बाकी की जो कंडीशंस मैंने आपको बताई कि आपका क्लेम पास नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है या फिर अप्रूवल नहीं आ रहा है, तो वो सारी कंडीशंस में हॉस्पिटल का कोई भी रोल नहीं होता है। एक सिंपल चीज है, ये आप हो, ये हॉस्पिटल है और ये इंश्योरेंस कंपनी है, आप यहाँ पे जाते हो, ये यहाँ पे जाते हैं,
सिंपल चीज, यहां से अप्रूवल आएगा वो आपको दे देगी, यहां से नहीं आएगा तो वो आपको मना कर देगा। तो सिंपल सी चीज है, वो आपको समझनी पड़ेगी। उसमें हॉस्पिटल का कोई भी ज्यादा रोल रहता ही नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देना चाहता हूँ। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए, मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को साथ में लेके एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें आपको सारी चीजें वो खुद ही बताएगी। लेकिन जितना चीज मुझे बताया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उसमें आप जो नॉर्मल चेकअप कराते हो उसके पैसे नहीं मिलते हैं, डेंटल के पैसे नहीं मिलते हैं, डिलीवरी के पैसे नहीं मिलते हैं। तो वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। हो सके तो वो चीजें आप प्रीप्लान करके चलो, उसके पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। अगर वो दे रही है तो उसके बदले में जो आपसे प्रीमियम लिया जाएगा वो बहुत ज्यादा ही लिया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो रूम रेंट रहता है वो तकरीबन 1% रहता है आपकी पॉलिसी का। लाइक 1 लाख की पॉलिसी है तो वो तकरीबन आपको 1000 रुपए तक का रूम रेंट वहां पे मिल जाता है। आपके पास 5 लाख की पॉलिसी है तो रूम के लिए 5000 रुपए तक का रूम आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी पॉलिसीज भी होती है जहां पे वो लिमिटेशंस नहीं है। तो यहाँ पे जब आप पॉलिसीज खरीद रहे हो आप अपने Q&A लिख दो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आप अपने एडवाइजर से पूछिए, एक बार उसे समझ लो ताकि जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हो आपको पता हो कि आपकी पॉलिसी आपको क्या चीज ऑफर कर रही है। ऐसा हो सकता है जब मेरे पास जो इफ्को टोके का इंश्योरेंस है उसमें रूम लिमिट एडजस्टेबल हो सकती है। लाइक अगर मेरा इंश्योरेंस है 3 लाख रुपए का, रूम का रेंट है 4500 रुपए का, तो वो एक अगर एक्सेप्टेबल रेंज में है तो वो 100% वहां पे क्लेम हो जाएगा, मुझे 4500 रुपीज मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं 10,000 डालूंगा तो वो भी पागल नहीं है। तो वही चीज है, जो चीज आप खरीद रहे हो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लो ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और आप हॉस्पिटल स्टाफ पे भी गुस्सा ना करो, आपका आपकी प्रोसेस जो है बहुत ही इजीली खत्म हो जाएगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी सारे इंसिडेंट्स मैंने देखे हुए जहां पे मेडिकल इंश्योरेंस पास नहीं होता है और फिर पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं वो मिसबिहेव करते हैं, जो सही चीज नहीं है। एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया अब तक, आप जब भी कोई क्लेम सबमिट करोगे आपको 100% पैसा नहीं मिलेगा, 100% शायद से ही पैसा आपको मिलेगा। अगर आप, मैंने आपका एग्जाम्पल लिया ना, 55,500 का बिल है, अगर 54,300 पास होता है तो आपको 1200-1300 रुपए का जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो कंज्यूमेबल आइटम्स के पैसे नहीं देती है, वो आपको खुद ही पे करना पड़ता है। कंज्यूमेबल की अगर आप बात आती है तो मैं सिंपल समझा देता हूँ, जो गोस्पीस यूज होते हैं, जो स्टेरिलाइजर यूज होता है पेशेंट के ऊपर, जो ग्लव्स यूज होते हैं वो डिस्पोजेबल है, तो वो पैसे कंपनी नहीं देती है। तो उसके लिए जो डिफरेंस का 1000-1500 रुपए का अमाउंट होता है वो आपको खुद ही पे करना पड़ता है। तो बस ये वीडियो मुझे यही बताना था आप सभी को। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड वीडियो नहीं है मैं जानता हूँ। अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं रियली सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर से करो, शेयर करो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिले। अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उन्हें पता चले कि क्या वो खरीद रहे हैं, क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेगी, हॉस्पिटल प्रोसेस में क्या हो सकता है, किसका फॉल्ट हो सकता है, वो सारी चीजें उनके माइंड में थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे वीडियोस के साथ जल्दी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।